फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग। और आज मैं अभी जस्ट एक्सरसाइज करके आती हूँ थोड़ी सी। क्यों ना हूँ आगे, ये देख आगे, ये देखो मेरे बंदर को देख रहे हो। ये यही कपड़ा पहना है कल से, और अभी कह रही बेटा नहाना है तो नहीं, कहती ये मेरे को पसंद है। बताओ ये कपड़े इसको कौन सा पसंद है, इतना गंदा कर लिए। कल पहनी थी नहा के, अभी लगभग 11 बज गया, अभी तक नहाई नहीं है और गंदे हो गए कपड़े, चेंज नहीं करती। कल भी यही कपड़े इसने पहना था, नहीं परसों पहनी थी। फिर परसों हमने क्या किया, जब कल सुबह हुआ तो नहलाने के लिए मैंने कहा चलो बेटा निकाल दो, तो निकाली नहीं। कहती नहीं मम्मा मेरे को पसंद है, मैं नहीं निकालूंगी। तो फिर इनका किसी तरह से हमें कपड़े गिल्ले कर दिए, तब जाके निकाले। फिर कल नहलाए इसको, फिर कपड़े धोए थे, तो फिर इसको दिख गया, फिर वही पहन ली। मांगती नहीं कपड़े पहनने के, और काफ़ी पुराना हो गया है। अब की बार किसी तरह निकाल दे, इसको गायब ही कर दूंगी। देख रहे हो परी, अब की बार आपका ये कपड़ा उठा के मैं फेंक दूंगी, ठीक है। ये कपड़ा निकाल दो, क्यों गंदे हो गए बेटा, नहीं निकालती। तो मैं अभी जस्ट एक्सरसाइज करके आती हूँ, 11 बज गया। रोज मैं सुबह ही कर लेती थी, सुबह मैं सो के उठती थी, नहा के फिर इसके बाद नीचे चली जाती थी खाना बनाने, खाना बना के और रोज़ सुबह एक गिलास पानी पीती हूँ। और पानी पीने के बाद मैं फिर ऊपर आ जाती हूँ, सब्जी वगैरह बना के आटा गूंथ के, फिर यहाँ 15-20 मिनट एक्सरसाइज करके फिर जाती हूँ मैं 8:30 बजे नीचे। फिर रोटी बनाती हूँ, रोटी बना के आ जाती हूँ 9 बजे फिर ऊपर। फिर साथ में उदय जी को जगाते हैं, फिर साथ में सब उठ जाते हैं। क्योंकि मैं इसलिए एक्सरसाइज कर रही हूँ, मेरे को अपना वेट लूज करना है यार। मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो जा रही हूँ धीरे धीरे। पहले ठीक ही थी, पहले भी पतली नहीं थी, ऐसी बात नहीं है, पर अब ठीक थी। लेकिन अब आज तो कुछ ज़्यादा मोटी हो गई, इसलिए मैं पतला होना चाहती हूँ। और मैं अपने लिए दवाई भी मंगवाई थी एक पतला होने वाला, अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। बेटा फट जा, फट जा, अच्छा अच्छा बंद कर। ये देखो, ये बेस्टीज का मंगाई थी मैं, और इससे मैंने थोड़े दिन ही खाए थे। अभी देखो है इसमें, थोड़े दिन खाए थे, फिर इसके बाद छोड़ दी मैंने ना थोड़ा सा बीच बीच में। मेरे को पता नहीं कैसे अजीब सा फील हो रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा क्या पता इसकी वजह से ना होता हो। ये देखो इसकी कैप्सूल ऐसी है, इसकी वजह से ना होता, पर इसकी वजह से नहीं था, वैसे ही था। मौसम चेंज हो रहा था, तो इसलिए थोड़ा सा बुखार बुखार टाइप लग रहा था, तो मैंने छोड़ दिया था। लेकिन अब आज से 2-3 दिन से मैं खा रही हूँ शायद, हाँ 2-3 दिन से मैं इसको खा रही हूँ। और इसकी प्राइस है, इसको मैंने बेस्टीज कंपनी से मंगाया था, हाँ बेस्टीज कंपनी है, उससे मंगाया था। अगर आप लोग को भी चाहिए तो बता देना मेरे को, मैं बता दूँगी कहाँ से मिलेगा। और ये मेरे को पड़ा था, इसकी EMRP 1290 है, हाँ 1290 ही पड़ गया था मेरे को। तो यही खा रही हूँ आजकल मैं, लूज़ करना है। सबसे ज़्यादा मेरे को ये टेंशन है कि मेरे जो पहले के कपड़े, मैं आज मतलब गर्मी में तो वैसे भी कुछ डालने हैं, मैंने हाफ स्लीव्स कई सूट सिला के रखे हैं, और जीन भी 2-3, तो आपने पिछले ब्लॉग में देखा ही होगा मैंने सिलाया, जो कि मेरे को टाइट हो गया। तो मैं सोच रही हूँ यार अभी तो मैंने खरीद के रखे हैं, तो फिर टाइट हो जाएगा, मैं पहनूँ कैसे, थोड़ा सा तो सॉफ्ट है कि मतलब पहन लूँ, पर क्या होगा। इसलिए मेरे पहले के सूट भी टाइट हो गए, जो अभी मैं पहनती हूँ उसको लूज़ कर करके मैंने पहना है, 2-3 सूट लूज़ किया, बाकी सारे मेरे को टाइट आ गए। इसलिए मैं 3-4 सूट आजकल पहनती हूँ, आप लोग देखते होंगे मेरे ब्लॉग में। तो अब मैं उसको ढीला नहीं करूँगी, मैं इसलिए नहीं ढीला कर रही हूँ क्योंकि मेरे को पतला होना है, इसलिए मैंने ढीला नहीं किया। अब नए एक सिल लेती हूँ थोड़ा सा लूज़, जिससे मेरे को अभी आ जाए, तो 2-3 सिलना है। दूसरे के कपड़े सिलने के चक्कर में मैं खुद के कपड़े नहीं सिल पा रही हूँ, इसलिए अभी तक सिली नहीं हूँ। तो ओ टेप खराब कर रही है, ये देखो इसको सारा टेप खराब कर रही है। बेटा चलो नीचे चलिए। तो बस मेरा काम हो गया, थोड़ा सा कपड़े तही लगाने, तो चलो कपड़े तही लगा लेती हूँ, फिर आप लोग से मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स अब मैं जा रही हूँ तही लगाने, कपड़े हैं थोड़े से, तो वही थोड़ा समेट के रख लेती हूँ। और ऐसे ही मैं तही लगा लेती हूँ, ज़्यादा अच्छे से नहीं तय करती, क्योंकि फिर भी अगर अलमारी में रखो ना, तो फिर अगर खुद कपड़े निकाल के ना दो तो ये लोग उल्ट पलट देते हैं, पूरे अलमारी ख़राब कर देते हैं। इसलिए वैसे लगा ले रही हूँ मैं ठीक से, मतलब ठीक ठीक हो। और बस सारा काम हो गया, अब मैं जा रही हूँ नीचे अपना थोड़ा बहुत काम करना। यहाँ देखो परी, इसको नहलाने जा रही हूँ, ये
कल नहाई थी, हाँ आज नहीं नहाई है, तो इसको नहलाने जा रही हुए कपड़े पहनी हुई है। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को अगर चैनल पे नए हो मेरी वीडियो देखने के लिए, और लाइक कर देना और कमेंट करना कि कैसा लग रहा है आप लोग को मेरा ब्लॉग। तो आज ये ब्लॉग मैं डाल रही हूँ शुक्रवार को, तो चलो आप लोग वीडियो एंजॉय करो। कहाँ बेड में है? अरे यही फ्रूट है, देखो आपके लिए मैंगो आया है, अनार आया है, तरबूज आए हैं। आ जाओ, बैग में कुछ नहीं बेटा। हाँ किससे? जाओ फ्रिज में रख के आओ फ्रूट, जाओ जाओ एक एक करके, चलो चलो बेटा। हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। हम लोग अभी आए थे, गए थे थोड़ा सा मार्केट, शैम्पू वगैरह लेके आना था, थोड़ा सामान लेके आना था। एक टोपी लेकर आए हैं अपने बेटे के लिए। ये बेटा कहता मैं पहनूंगा। जा बेटा देख ले पापा को, आपका टोपी पहने, अपना दिखाओ। ये इनका है, इसकी टोपी उसके साथ, उसकी टोपी मेरे साथ। और इसको देखो अभी भी पता नहीं क्या ढूंढ रही है मेरे पर्स में है। भी अभी नहाए भी नहीं हो ना बेटा, चलो नहाए नहीं करके। और एक बेड शीट लाई हूँ, ये देखो धूप में गए, ऐसा लग रहा है सिर घूम रहा है ना, पता नहीं कैसे आप रोज जाते हो। मेरे को एक दिन निकलना पड़ता है, मेरा तो दिमाग खराब हो जाता है। देखो फ्रूट लाए हैं, आ जाओ खा लो सब लोग, अभी बहुत गर्म है बहुत। मैंगो लाई हूँ। वो देखो पैसे निकाल, पैसे निकाल रही हो बेटू, गंदी बात। देखो देखो पागल बच्चे को क्या करना, आओ भाग गई। ये दादी मम्मा को देख आओ, अरे बात नहीं मानती हैं। सबसे पहले मैंगो खाने का मन कर रहा है, बहुत गर्म है। ये मेरा ही आता। बार बार बार। बार यासे और मारूंगा। टेरी खा टेरी। टेरी ले ले बेटा टेरी, देख तेरे बगल में पड़ा हुआ है टेरी। भालू फेंक दिया, भालू उधर साइड में होगा, कहता मैं नहीं दबाऊंगा परी को। अब निकलो निकलो परी निकलो। ए निकल।